नवादा में भी दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर के हरीशचंद्र स्टेडियम में भगवान राम ने अग्निबाण चलाकर बुराई के प्रतीक रावण को भस्म कर दिया और देखते ही देखते रावण का पुतला रंगीन आतिशबाजी के बीच राख हो गया। 50 फुट ऊंचा रावण का पुतला मात्र 30 सेकंड में जलकर राख हो गया। इधर रोहतास में भी विजयादशमी के मौके पर सासाराम में रावण का पुतला दहन किया गया। कोरोना काल से राहत मिलने के बाद माँ ताराचंडी धाम सासाराम के पास विजयादशमी के मौके पर रावण पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी तत्पर दिखा। प्रखंड विकास पदाधिकारी जनार्दन तिवारी की मौजूदगी में रावण का पुतला दहन किया गया। मैं रावण वध हुआ था उसी समय से पूरे भारत का भारत के लोग जहाँ भी हैं विदेशों में वहाँ भी रावण वध हो रहा है। इसलिए आज अत्याचारी पापाचारी दुराचारी का आज विनाश हुआ। असत दौरान के कुजू में भी रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहाँ भी भारी भीड़ इकट्ठा हुई लोगों की रावण दहन प्रोग्राम को देखने के लिए। कुजू के पब्लिक हाई स्कूल ग्राउंड में 2 साल बाद रावण दहन के कार्यक्रम में भीड़ मौजूद रही। हालांकि बारिश ने थोड़ी देर के लिए मजा किरकिरा कर दिया। बारिश शुरू होते ही अफरा तफरी भी मच गई जिसके बाद फिर से रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। माँ तारा चंडी के परिसर में भी रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विजयदशमी के मौके पर यहाँ पर रावण दहन किया गया। माता के दरबार में भी रावण दहन की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। विजयदशमी के मौके पर यहाँ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई जिसमें हाथी भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना। हजारीबाग में भी विजयादशमी के मौके पर विसर्जन जुलूस निकाला गया। जुलूस में शिव तांडव झांकी आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं महिलाओं में एक अलग उत्साह देखा गया। विसर्जन जुलूस में महिलाएं पारंपरिक हथियारों के साथ नाचते गाते देखी गईं।